तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम आईफोन 13 प्रो मैक्स वर्सेस Asus ROG फोन 6 का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों फोन में से फ्री फायर को कौन सा फोन ज्यादा अच्छा चलाएगा, फ्री फायर के लिए बेस्ट फोन कौन सा है। और इस वीडियो में आपको मैं इन दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, जिससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है आपके बजट के हिसाब से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, फ्री फायर या फिर किसी भी गेम को अच्छे से चलाने के लिए फोन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोसेसर। अगर फोन में अच्छा प्रोसेसर लगा है तो फोन में बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, फ्री फायर अच्छे से चलेगा। और साथ ही साथ डिस्प्ले भी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए ताकि कलर वगैरह अच्छे से दिखे, गेम का ग्राफिक्स हमें अच्छे से दिखे। और साथ ही साथ फोन में बैटरी भी ठीक ठाक होना चाहिए और कुछ गेमिंग फीचर होना चाहिए, गेमिंग फीचर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा की और भी कुछ कुछ गेमिंग फीचर्स। तो वो सभी को आपको देखना है, जिससे आपको पता चलेगा फ्री फायर को कौन सा फोन ज्यादा अच्छा चलाएगा। तो चलो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं Asus ROG फोन 6 के कैमरे सेटअप के बारे में। तो इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें से पहला कैमरा है मतलब कि प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें सोनी का लेंस लगा हुआ है, सोनी का कैमरा है। और सेकंड जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और थर्ड नंबर का जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। और इसके फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, वो भी सोनी का ही है। और इसमें आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वैसे तो गेमिंग फोन में कैमरा को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बट इस फोन में आपको ठीक ठाक कैमरा मिल जाएगा, एक फ्लेक्सिप कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप कहीं भी जा रहे हो तो फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो हाई क्वालिटी का आपको फोटो भी मिल जाएगा। तो अब अगर हम बात करें आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। तीनों के तीनों कैमरा 12 मेगापिक्सल के हैं और फ्रंट में भी जो कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का ही है। तो यहाँ पर एप्पल जो है कुछ खास तो डिटेल देता नहीं है, मतलब हर एक चीज को छुपाता है। तो यहाँ पर आपको सभी के सभी कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर कैमरे के मामले में देखा जाए तो डेफिनेटली सारे बंदे आईफोन को ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आईफोन का जो कैमरा होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मतलब मास्टर है आईफोन कैमरे के मामले में। गेमिंग में फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोसेसर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए Asus में कौन सा प्रोसेसर लगा है, तो इसमें लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिपसेट, जो कि स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल आप इसे फोन मान सकते हो। और अगर हम एप्पल के फोन को देखें तो इसमें आपको मिल जाएगा A15 बायोनिक चिप, जो कि एप्पल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है और एप्पल का A15 बायोनिक चिप है, इसमें कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पर इन दोनों फोन के जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो लगभग सेम ही है। ऐसा नहीं है कि एप्पल ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, एंड्रॉइड कम परफॉर्म कर रहा है, लगभग सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट एप्पल को करूंगा, क्योंकि एप्पल को अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज करोगे, लंबे समय तक यूज करोगे, तब भी उसका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होता, अच्छा खासा परफॉर्म देता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड फोन को वहीं पर कंपेयर करोगे तो 5-6 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद वो जो है बिल्कुल हैंग होने लगा। 10 साल तो मैं बहुत ही ज्यादा बोल दिया, 3-4 साल में ही एंड्रॉइड का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कम होने लगता है, धीरे धीरे और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एप्पल के फोन में फ्री फायर ज्यादा अच्छा चलेगा, दोनों फोन में अच्छे से चलेगा, दोनों फोन का परफॉर्मेंस सेम रहेगा। बट वही बात है कि आप लंबे समय तक यूज करोगे तब एंड्रॉइड का जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, जब बहुत ज्यादा टाइम तक आप यूज करोगे तब। तो यह तो हो गया इन दोनों फोन का प्रोसेसर। अभी हम बात करते हैं इन दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में, किस फोन में आपको अच्छा डिस्प्ले मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें Asus ROG फोन 6 के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में आपको 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस वाला रिजोल्यूशन, HDR 10 प्लस का सपोर्ट और 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और इस फोन का डिस्प्ले का जो टच रिस्पांस है वो है 720 हर्ट्ज, और इस फोन का डिस्प्ले का जो लेटेंसी है वो है 23 मिलीसेकंड। और ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर ROG फोन 6 का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि इसमें आपको रिफ्रेश रेट बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ऊपर से सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, एंड आपको थोड़ा बहुत इसमें प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन अब अगर हम बात करें आईफोन 13 प्रो मैक्स के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बताता हूँ, एप्पल जो है कुछ भी स्पेसिफिकेशन वगैरह ज्यादा अच्छे से नहीं बताता, मतलब हर चीज को छुपाता है। उनका ऐसा सोच है कि आप बस यूज करने से मतलब रखो, क्या क्या है इन सभी के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया 6.7 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है, तो ठीक ठाक डिस्प्ले का साइज है, और सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। तो एप्पल का जो रेटिना का डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, काफी महंगा भी होता है, और उस डिस्प्ले से जो ब्राइटनेस निकलता है वो हमारे आंख को डैमेज नहीं करता। तो ये जो डिस्प्ले है एप्पल का रेटिना वाला काफी अच्छा डिस्प्ले हम इसको बोल सकते हैं, दोनों का जो डिस्प्ले है वो लगभग सेम ही है। लेकिन यहाँ पर एप्पल के फोन के डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट कम मिलेगा, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एप्पल के फोन में अगर आपको रिफ्रेश रेट कम मिल रहा है तो इसमें आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगा, स्मूथनेस बहुत ही अच्छा मिलेगा, टॉप लेवल का मिलेगा। लेकिन Asus में हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पर 165 हर्ट्ज है और यहाँ पर एप्पल में 120 हर्ट्ज है। अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एप्पल बहुत सी चीजों को छुपाता है, दिखाता नहीं है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले का स्मूथनेस है, डेफिनेटली
ROG में थोड़ा सा ज्यादा देखने को हमको मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं दोनों फोन के बैटरी बैकअप के बारे में। तो अगर हम ROG के बारे में बात करें तो ROG में आपको 6000 mAh का एक बहुत ही बड़ा बैटरी मिल जाएगा, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 65 वाट का चार्जर मिलने वाला है, जिसे हाइपर चार्जर बोला जाता है। अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन में आपको 4372 mAh का बैटरी मिल जाएगा, जिसे चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जर मिलेगा जो कि फास्ट चार्जर है। और यह जो चार्जर है कोई बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल सा फास्ट चार्जर है जो 1.5 घंटे में एप्पल के फोन को पूरा कंप्लीट चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर बैटरी में हमको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अब अगर हम देखें फ्री फायर को कौन सा फोन ज्यादा लंबे समय तक चला पाएगा, तो अगर मैं आसूस के बारे में बात करूँ तो आसूस जो है वो 4 से 5 घंटा अल्ट्रा ग्राफिक्स में आराम से फ्री फायर को चला लेगा। अगर एप्पल की बात करें तो वो 3.5 से 4 घंटा चला लेगा, उससे ज्यादा वो उतना ज्यादा नहीं चला पाएगा, क्योंकि अल्ट्रा ग्राफिक्स में बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम होता है, चार्जिंग बहुत जल्दी खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर हम चार्जिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, चार्जिंग टाइम किसका ज्यादा है। तो आईफोन जो है वो 1.5 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, लेकिन आसूस का जो फोन है वो 40 मिनट में ही पूरा कंप्लीट चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर सोचने और समझने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डेफिनेटली ROG का जो बैटरी है बहुत ही बड़ा है और बहुत ही जल्दी फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों फोन के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में, यानी कि कुछ एडिशनल फीचर के बारे में। तो अगर ROG का देखा जाए तो इसमें आपको भर के एडिशनल और कुछ गेमिंग फीचर मिल जाएगा, जैसे कि आपको इसमें एयर ट्रिगर मिल जाता है, ऊपर के साइड में 2 एक्स्ट्रा बटन, उसके बाद बैक साइड में आपको इसका गेमिंग कूलर मिल जाएगा, जो गेमिंग सिस्टम होता है मतलब डेडिकेटेड कूलर की तरह आपके फोन के बैक साइड में लगा रहेगा, जो कि आपको फोन को बिल्कुल भी हीट होने नहीं देगा, मतलब कि गर्म होगा ही नहीं, एकदम ठंडा चलेगा, लैग वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। साथ ही साथ उसमें आपको एक्स्ट्रा की भी मिल जाएगा, मतलब 4 एक्स्ट्रा की आपको मिलने वाला है जो गेमिंग कूलर होता है उसमें। तो आप इसमें कंटिन्यू 8 फिंगर से गेमिंग कर सकते हो, ROG 6 में कंटिन्यू 8 फिंगर से गेमिंग, यानी कि फ्री फायर के PC प्लेयर भी आपसे पीछे हो सकते हैं। और बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जिनको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज करने का आदत होता है, तो ROG 6 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा, यानी कि फीचर का भाई भरमार है ROG 6 में। अगर हम बात करें iPhone 13 Pro Max का, तो इस फोन में भी आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाएगा, जैसा कि iPhone का IP रेटिंग बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कि आप इसको पानी में जितना डुबा लो इसका वाटर रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब जितना डुबा लो कुछ भी कर लो भाई पानी अंदर जाता नहीं है, फोन खराब होता नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है एप्पल के फोन के लिए, जो कि आपको आसूस में बहुत ही कम मिलेगा, मतलब पानी वगैरह में ज्यादा गिर गया तो फोन पूरा खराब हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, एप्पल का जो फोन होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, ड्यूरेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका फोन हाथ से गलती से गिर गया तो आप सोचोगे टूट जाएगा, तो एप्पल का फोन इतना आसानी से नहीं टूटता। और जैसा कि आप सभी एक चीज तो जानते ही होंगे, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आपका पर्सनालिटी बढ़ जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एप्पल के साइड से। खैर इसको हम कुछ अलग से फीचर तो नहीं बोल सकते, बट पर्सनालिटी थोड़ी मतलब बढ़ जाती है भाई। तो चलो अब हम बात करते हैं दोनों फोन के रैम और स्टोरेज और इसके प्राइस के बारे में, फिर हम जानेंगे फ्री फायर के लिए कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें एप्पल के फोन की, तो एप्पल में आपको 2-3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इस फोन का जो सबसे छोटा वेरिएंट है वो आपको 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 70,000 में अभी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर हम इसके मैक्स वेरिएंट की बात करें तो वो भी आपको 6GB रैम में मिलेगा, लेकिन उसका इंटरनल स्टोरेज जो है वो 1TB का रहेगा, और उसका प्राइस मेरे ख्याल से 1,60,000 या फिर 1,70,000 के आसपास रहेगा। तो प्राइस काफी ज्यादा है इसके मैक्स वेरिएंट की। और अब अगर हम बात करें ROG 6 के प्राइस के बारे में, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, ROG 6 और ROG 6 Pro। ROG 6 का जो प्राइस है वो है 72,000, इसमें आपको 12GB रैम मिलेगा और 265GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। एंड इसका जो प्रो वेरिएंट है वो आपको 18GB रैम प्लस 512GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा 90,000 में। तो काफी ज्यादा इसका थोड़ा सा मतलब प्राइस है। तो चलो अब हम बात करते हैं इन दोनों फोन में से बेस्ट फोन आपके लिए कौन सा है, फ्री फायर के लिए बेस्ट फोन कौन सा है। तो मैं आपको डेफिनेटली ROG ही लेने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपको इसमें भर के गेमिंग फीचर मिलेगा, और गेमिंग फीचर ही तो चाहिए अगर हमको गेम खेलना है, तो आपको ROG लेना चाहिए, क्योंकि देखो इसका प्राइस भी कम है। इस फोन में आप कंटिन्यू 8 फिंगर से गेमिंग कर पाओगे, इसमें आपको रंग बिरंग के गेमिंग फीचर मिलेगा, और आपका फोन हीट वगैरह हो रहा है तो तुरंत से कूलर में ठंडा हो जाएगा, मतलब गेमिंग फीचर आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप आईफोन लेते हो तो उसमें आपको गेमिंग फीचर नहीं मिलेगा, हालांकि थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाएगा, सुरक्षा रहेगा फोन में, गिरेगा तो टूटेगा नहीं, पानी में जाएगा तो खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक रियल गेमर हो तो इन सभी फीचर का मेरे ख्याल से आपका कोई जरूरत नहीं है। आपको सेंसिटिविटी वगैरह चाहिए, अच्छे से स्मूथनेस चाहिए, तो वो सभी आपको ROG में मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको ROG ही लेना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है, प्राइस भी थोड़ा कम है। तो अभी आप सभी को मैंने बता दिया iPhone 13 Pro Max वर्सेस ROG 6 में कौन सा फोन ज्यादा बेटर है फ्री फायर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया और भी ऐसे फ्री फायर के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।